गाइस वेलकम बैक टू रिया अनलीश्ड एंड थैंक यू सो मच आप लोगों को इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर कोलकाता इतना अच्छा लगा तो मैंने सोचा अगर आपको फेयर वाले वीडियोस इतने अच्छे लग रहे हैं तो कोलकाता में काफ़ी सारे फेयर्स चल रहे हैं। आई थिंक इंडिया में कोलकाता ही ऐसी कोई जगह होगी जहाँ पे ड्यूरिंग दिस पैंडमिक फेयर्स चल रहे हैं, बट क्योंकि आप लोगों को अच्छा लगा है तो हम पूरे प्रोटेक्शन के साथ जा रहे हैं फेयर। हमने सोचा चलो थोड़ा सा हम घूम कर भी आते हैं और साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक अच्छा सा ब्लॉग भी शूट करते हैं। तो मैं और शुभदीप जा रहे हैं शोरोश मेला एंड वहाँ पे प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स के साथ जो है वहाँ पे फेयर का अरेंजमेंट किया गया है, जहाँ पे मास्क जो है कंपलसरी है, विदाउट मास्क आप नहीं जा सकते हो, सेल्फी जोन है और पानी का भी अरेंजमेंट है, ऐसी चीज़ें मुझे सुनने में आई हैं। सो वी आर गोइंग टू चेक आउट और जाके देखते हैं कि और भी क्या क्या चीज़ें हैं एंड मैं पहनूंगी मास्क जल्दी से और हम जा रहे हैं टू व्हीलर से। पूरा डिटेल वीडियो आपको दिखाऊंगी हाउ डज द फेयर लुक एंड व्हाट आर द थिंग्स अवेलेबल, तो चलिए मेरे साथ। हाय गाइस वी हैव रीच्ड ओके गाइस सो दिस इज द एंट्री लुक लाइक शोरोश मेला और एंट्री के बिल्कुल बाद में जो है आपको सैनिटाइजेशन के लिए एक आदमी खड़ा है, वहाँ पे सैनिटाइज कर सकते हो आप। और गेट के बिल्कुल बाहर इस तरह के फ्लावर्स बिक रहे थे। आपने हाथों को लगा था ना? चलो देखता हूँ। अगर तब पास में का पीस लगा देते हैं अपना तो इतना कास्ट होता। बाहर आपको चाय का शॉप मिल जाएगा, तो अगर आप चाय पीकर फेयर घूमना चाहो तो वो भी कर सकते हो। हमने वही किया और याद से आपको सैनिटाइजेशन जो है मस्ट है वो मत भूलिएगा। এগুলো কত করে দাম আছে দাদা? আর এই কাপড়ের পামশু 300। गाइज अगर अभी तक आपने ट्रेड फेयर का वीडियो नहीं देखा, हालांकि ट्रेड फेयर अभी खत्म हो चुका है, लेकिन आप प्लीज एक बार वो भी चेकआउट कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं नहीं ठीक है। सारे 2500 के हैं? ठीक है भैया, थैंक यू थैंक यू। गाइस दुपट्टों का बहुत ह्यूज कलेक्शन था। ये गोवा एक शॉप के ऊपर नाम लिखा हुआ था, उसके नीचे ये इस तरह के कुछ दुपट्टे बिक रहे थे। इसका जो मटेरियल है ये जूट सिल्क है। मैंने दो खरीदे हैं, जल्दी आपको ट्राई ऑन करके भी दिखाऊंगी। एंड 200 रुपीज़ इनका प्राइस था ईच, मैंने दो खरीदा। एज वेल एज बहुत सारे और भी आपको दुपट्टे के शॉप्स मिलेंगे पूरे फेयर में। এটা দাম কি আছে দিদি? 1500। তেরি সেটা করি এগুলো করি। এটা কিসের? ওটা মুসুর ডাল। এই যে ব্যবসা আছে স্যার, কেন এটা ভাতে খাবেন ডাল ভাতে সঙ্গে টাকে দেবেন 10 টাকা স্যার। আর এগুলো কি পোস্টার কোনটা? বেশ ভালো দেখো। ভাজা খায়? এগুলো ডাল ভাতে ভাজা খায়, আলু ভাজার মতো করে খেতে হয়, খুব ভালো লাগে। 20 টাকা। আর এই কত? 30 টাকা।
30 টাকা ভালো হবে তো খুব ভালো হবে কোয়ালিটি মানে ফেলে দিতে হবে না তো খাওয়ানো হবে তো কোথা থেকে এসেছেন আপনারা কোথায় বাড়ি কোথা থেকে এসেছেন আমডাঙ্গা থানা কৃষ্ণনগর রোড হ্যাঁ হ্যাঁ আমডাঙ্গা দিদি এগুলো কত করে হ্যাঁ 30 রুপিস 30 রুপিস পিস আপনি ছোট দাঁড়ি হলে छोटे छोटे दाई थर्टी इसका थर्टी इसका ट्वेंटी ये फोटो फ्रेंड्स एटी एटी सेवेंटी इसमें ओनली दो ही कलर बचे हैं खत्म কত করে কিলো চাল তুলাই পাঞ্জি চাল 100 টাকা কিলো ওরে বাবা কত করে প্যাকেট 270 টাকা আর 100 গ্রাম 30 টাকা এগুলো 100 30 টাকা করে 30 টাকা কিসের বড়ি দেখি না দেখি হ্যাঁ কুমড়ো বড়ি দাও কলাই ডালে বড়ি কলাই ডালে गाइज आप लोग देख रहे हो अलग अलग स्टेट के पोर्शन से जो लेडीज हैं उन्होंने यहाँ पे आके शॉप्स अपने लगाए हुए हैं डेट मैं आपको बता देती हूँ कल ही मतलब 3 जनवरी इसका लास्ट डेट है मुझे नहीं पता आप लोग ये वीडियो कब देखोगे एंड गाइज यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट की भी सुविधा है जो कि मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लगी मिष्टी आचार रोशन आचार কত দাম 85 300 হ্যাঁ 85 300 গ্রাম কত করে এটা মনে হয় 450 না সরি 500 এগুলো কত করে নৌকা 10 20 30 40 দাদা এগুলো কি দাম আছে দাদা এগুলো কত দাম 450 আপনাকে কোথায় পাবো আমি গ্যারান্টি কর গাইজ আপ লোগোঁ কো এক ব্লগ মে দেখা থা কি একবার ঘর কে নিচে সে শহদ খরিদা থা মানে এক বন্দা মধুমক্খি কে ছত্তে কে সাথ বেচ রহা থা তো উসনে মুঝে পুরা উল্লু বানায়া বাট ইস বার হমনে শহদ চখ কে খরিদা হ্যা ये लोग सुंदरबन से आए हैं यहाँ पे शहद बेच रहे हैं और शुभदीप ने प्रॉपर चखा उसके बाद हमने खरीदा अगर आप इंटरेस्टेड हो और एक बार चेकआउट करना चाहते हो तो इनके शॉप में एक बार जरूर जा सकते हो फूलों का तो पड़े 140 गाइस विश्व बांग्ला गेट से बिल्कुल पहले लेफ्ट में आपको ये फेयर नजर आएगा 3 जनवरी तक ही डेट है और ये जो मेहमान रेस्टोरेंट आपने व्लॉग में देखा मतलब वीडियो में अभी दिखाया मैंने आपको उसके बिल्कुल राइट हैंड साइड पे शोरश मेला का ही एक पार्ट था जहाँ पे फूड के स्टॉल्स लगे थे फूड पार्क वहां पे स्टार्टिंग फ्रॉम गोलगप्पे से मिठाई चाय पॉपकॉर्न से लेकर स्नैक्स फ्राइज अलग अलग तरह की दुकानें थी राजस्थान का दाल बाटी चूरमा भी था बहुत महंगा था लेकिन वैसे शुभदीप ने एक नॉलिन गुरेर का पार्टी शप्टा ट्राई किया बंगालीज को पता होगा कि ये क्या होता है बेसिकली विंटर में बनाया जाने वाला ये एक बहुत ही ऑथेंटिक बंगाली डिश है साथ ही साथ बिरयानी
पुलाव, हर तरह का डिश यहाँ पे मौजूद था। अगर यू नो आप खाने के शौकीन हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। फिश कबाब, फिश फिंगर देख रहे हो आप, लंबे लंबे यहाँ पे मेन्यू कार्ड्स लगे थे। आप कुछ भी खा सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू हैव। इंटरेस्टिंग सी चीज़ें थी। पान का भी शॉप था। एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, मुझे फीडबैक भेजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग वेरी सून।